खबर लेने हैं पटियाला तो। अज जुम्मे की नमाज मौके पटियाला मुस्लिम भाईचारे एक वखरा ही जोश देखने मिलिया। पटियाला मुस्लिम भाईचारे वालों महिंद्रा कॉलेज के नजदीक पैंदे नूर मस्जिद दे विच जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करन तो बाद मुस्लिम भाईचारे ने किसानां दे जित वास्ते भी अरदास कीती। नाल ही मुस्लिम भाईचारे ने लोकां वल्लों किसानां दे हक विच आवाज़ बुलंद करन लई भी कहा। मुस्लिम समाज दे लोकां वल्लों किसानां दे हक विच जोरां शोरां नाल किसान एकता जिंदाबाद दे नारे भी लगाए गए। इस मौके मुस्लिम भाईचारे दे प्रधान जनाब शेर खान ने गलबात दौरान दस्या है कि अज साडे मुस्लिम भाईचारे वल्लों जुम्मे की नमाज अदा की गई है अते नाल ही किसानां दे हक विच भी नमाज पढ़ी गई है। ते असी शुरू तो ही किसानां दे नाल हाँ ते असी इको गल आखदे हाँ कि ये किसानी बिल रद्द होने ही चाहिए ने। जुम्मे की नमाज तो अज असी नूर मस्जिद जो ढिलों कलोनी दे विच है उहदे विच पढ़ी गई है तो उहदे विच एक मीटिंग करी गई सी जो जुम्मेवार सी मस्जिद दे उहनां नाल, क्योंकि किसानी भाईचारा जिहड़ा कि साडा उत्थे बॉर्डरां दे उपर पिछले ढाई महीनों तो लग्या होया मदद करन, उत्थे उह ढाई महीनों तो प्रोटेस्ट करन लग्या होया, उहदे संबंध दे विच इक साडी मीटिंग सी। साडी भाईचारे वल्लों मस्जिद दर मस्जिद पिछले जुमे असीं मुहम्मदी मस्जिद दे विच मीटिंग कीती सी, उत्थे भाईचारे ने उहनां दे हक च नारा मारिया सी। उस तो पिछले जुमे बिशन नगर च मस्जिद करी सी, उत्थे भाईचारे ने हाँ दा नारा मारिया सी। सो मैं समझदा भी ये कल्ली लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई सारे भाईचारियां दी है। सो सारे वीरां नूं इन्नी कु बेनती करन आए सी भी सारे लोग, क्योंकि सारे लोग उन्हां दे हक च खड़े होण, क्योंकि जेकर दुकानदार जे जिमीदार जट जिमीदार कोले पैसा ही नहीं होगा वह दुकान ते नहीं जाऊगा, दुकानदारी किवें चलूगी। एक आम बंदा भी इस बिल दा थले बहुत थले मरूगा। सो सानू सारयां नू चाहीदा, शहरां दे विच ये चीज़ां दा हजे बहुत घट लोगों नू पता है। साडा मस्जिद दर मस्जिद जा के लोगों नू जागृत करन दा सिर्फ इन्ना ही मंतव है भी सारे लोग, ये कोई एक जात दी किसे एक धर्म की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार हरेक कल भी एक प्रोटेस्ट ते कहा सी, परसों भी एक प्रोटेस्ट ते कहा सी, ये जिहड़ी लड़ाई है ये जिहड़े काले कानून तिन मोदी सरकार ने पास करे ने, ये लोग के साडी कौम की हाजरी भी उत्थे लग सके। बाकी असी पांच छे बार उत्थे गए भी हैं, लंगर भी एक शुरू कराया, तीसरा लंगर पंजाब लेवल दा उत्थे सिंघू बॉर्डर ते असी शुरू करवाया, उस दे विच सारे भाईचारे दा साडे दा योगदान है। मैं समझदा भी हर धर्म नू हर मजहब नू अपनी जात पात तो उपर उठ के ये किसानी धरने के हक के खड़ना चाहिए। ये गल नाले गल ये कल्ली हुण फसलां दी नहीं रह गई, ये आने वाली नसलों की भी है, ये गल मिट्टी की है, साडी मिट्टी की साडी जमीन की है, ये जिहड़ी साडी होंद है ना उसकी लड़ाई है। सो मैं समझदा भी सानू सारयां नू अपनी जात पात तो उपर उठ के धर्म मजहब तो उपर उठ के साडे किसान वीरां दे हक दे विच नारा मारना चाहिए। और जिहड़े लोग सानू पाड़न लगे ने सेंटर सरकार का की कम है भी ये जी ये हिंदू है ये मुसलमान है ये ईसाई है सिख है, तुसी यकीन जाने हो मैं पिछले हफ्ते जो दिल्ली गया सी 29 नूं असी वापस आया, मैं तुहानूं दसदा भी उत्थे अशोक शर्मा नां दा एक डॉक्टर सी मेरे कोल रोण लग गया, वो डेढ़ महीने तो उत्थे सेवा कर रहा सी डॉक्टर पेशे तो लोगों की फ्री सेवा कर रहा सी, उत्थे उहदी टीम सी पूरी राजस्थान तो आया होया सी। सो मैं समझदा भी उत्थे कोई हिंदू सिख वाली या हिंदू मुसलमान वाली कोई ऐसी गल नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट है। सानू सारे लोगों को चाहिए भी अपने किसान वीरां दे हक दे विच नारा मारीए, क्योंकि ये गल्लां जिहड़ियां सानू पाड़न वालियां शुरू तो ही जदी सेंटर सरकार बैठी है 6 साल हो गए, अज तुसी देख लो एक कम गिना दो तुसी कोई भी कम, सिलंडर दा रेट देख लो सारियां चीज़ां च महंगाई, वो आम बंदा कित्थे जाऊगा, जरूरतमंद बंदा कित्थे जाऊगा। जे किसानी जिहड़ी किसानी है साडे पंजाब हरियाणा ये दोनों भाई ने सगे इन्हां इन्हां च जिहड़ा किसानी दा ग्रेड है वह आपा है। सो ये जिहड़ी सेंटर सरकार है सानू किसान वीरां नू साडिआं नू पीड़ना चाहुंदी है। सो साडी तां अज दा उरे इकट्ठे होण दा इक्को मंतव सी भी सारे भाईचारे इकट्ठे हो के हमला मारीए ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।